वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के आपके सामने एक और नई सीरीज का रिव्यू। दरअसल ये सीरीज 4 दिन पहले रिलीज हो चुकी है, मैंने इसे अब देख करके कंप्लीट किया है। सीरीज का नाम है फैमिली मैन 2। अगर आपने फैमिली मैन का पहला सीजन देख लिया है तो आप सेकंड सीजन जा करके देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तब भी आपको ये समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले जाइए, पहला सीजन देखिए फैमिली मैन का, उसके बाद जा करके सेकंड सीजन देखिए। बात करते हैं भैया फैमिली मैन सीरीज मुझे कैसी लगी, तो एक बहुत ज़बरदस्त ये सीरीज है। सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, बेहतरीन एक्टिंग, शानदार डायलॉग्स, बहुत ज़बरदस्त एक्शन सीन्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये टोटल टाइम पास सीरीज है, मसाला सीरीज है, आपको कहीं भी बोर नहीं करती। इक्का दुक्का ऐसे सीन है जिनसे आप लोग रिलेट नहीं कर पाते। लैंग्वेज का भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल लैंग्वेजेज यूज़ की गई है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, पर ओवरऑल ये सीरीज बहुत अच्छी बन पड़ी है। अगर इसको मैं रेट करना चाहूँ तो मैं देना चाहूँगा इसे 5 में से 3.5 अंक। मुझे ये सीरीज पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। फैमिली मैन की स्टारकास्ट के बारे में बात करने की जरूरत है ही नहीं, उसके बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं फैमिली मैन सीरीज की सेकंड सीजन की कहानी क्या है। दरअसल सेकंड सीजन में दिखाया गया है एक ऐसा मिशन जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। श्रीलंकन तमिल्स मिलकर के कुछ एक्शन प्लान कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, उसको रोकने की जिम्मेदारी है श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज वाजपेयी के कंधे पर। श्रीकांत तिवारी एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जिसकी ज़िंदगी में पहले ही ऑलरेडी काफ़ी सारी परेशानियाँ चल रही हैं। उसके बच्चे उसकी नहीं सुनते, उसकी वाइफ का भी किसी अपने ऑफिस के फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा आपको कहीं कहीं लगता है कुछ पास्ट में उनका ऐसा कुछ था, वैसे यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। कहानी में आगे आप देखते हैं कि कैसे श्रीकांत तिवारी चेन्नई जाकर के श्रीलंकन जो तमिल्स हैं उनके होने वाले अटैक को रोकता है, जो कि इंडियन पीएम पर होने वाला होता है। उस अटैक को रोकने के लिए जो भी तरीके इसमें दिखाए गए हैं, जो भी चेजिंग वगैरह दिखाई गई है, वो सब कुछ आपको देखना बहुत अच्छा लगने वाला है। डायलॉग्स हिंदी के मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, बाकी और दूसरी लैंग्वेजेस के जब मैंने सबटाइटल के साथ देखा तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, अदरवाइज ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो यार कहानी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, आप इसकी कहानी को देखते चले जाते हैं, बोरियत का समय बहुत कम है इसमें आपके लिए। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट्स है कि इसका कोई भी छोटे से छोटा किरदार आप उठा करके देख लीजिए, सभी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है यार। एक्टिंग के लिहाज से इस सीरीज को आप टॉप पर रख सकते हैं, जो भी लोगों ने इसमें काम किया है आप किसी को भी चुन करके देख लीजिए, सबने अपना काम बहुत टॉप लेवल का किया है, एक्टिंग से लेकर के आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। डायलॉग्स इस सीरीज के सबसे बेस्ट क्लास है, डायलॉग्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट्स यही यार बहुत लंबी ये सीरीज बना दी गई है, इतनी ज़्यादा लंबी है जो आपको बहुत कम जगह पर, लेकिन हाँ लगती जरूर है कि ये सीरीज बहुत ज़्यादा खिंच गई है या इसको थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता था। सेकंड, इस मूवी के एक्शन में यूज़ किए गए VFX मुझे थोड़े से घटिया लगे, हो सकता था उनको थोड़ा और इन्हेंस किया जा सकता था, उनकी क्वालिटी बढ़ाई जा सकती थी, VFX अच्छे यूज किए जा सकते थे ताकि आपको और ज़्यादा आनंद आता। बाकी इस सीरीज में ज़्यादा कोई कमियाँ नहीं है, फैमिली एंटरटेनिंग ये सीरीज है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें एडल्ट चीज़ देखने को नहीं मिलती, गाली गलौज वाले शब्द यूज किए गए हैं इसलिए सोच समझ कर ही देखें। बाकी आप इसे अपने दोस्तों के साथ बैठ करके डेफिनेटली इन्जॉय कर पाएंगे, मुझे बहुत अच्छी लगी है, एंटरटेनिंग लगी है। बाकी आप लोगों ने अगर ये सीरीज देख ली है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर नहीं देखी है तो जाइए इन्जॉय करिए, काफ़ी ठीक ठाक सीरीज है। काफ़ी लंबे अरसे बाद में एक ऐसी सीरीज आप लोगों के सामने आई है जिसमें सभी चीज़ें बहुत परफेक्ट मिलेंगी आपको, एक्टिंग हो, कोरियोग्राफी हो, हर एक सीन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, खास करके एंडिंग वाला एक सीन जिसमें बहुत ज़बरदस्त आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, चाहे कार के अंदर कैमरा जा रहा हो या कार से निकलते समय उनके साथ कैरेक्टर्स के साथ कैमरा निकलते हुए बाहर आता है, वो सीन बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, तो जाओ इसको एंजॉय करो। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखते रहिए। जिन भी मूवीज और वेब सीरीज का आप लोग रिव्यू जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।